देखिए बहुत दुखद पूरे देश के को शोकाकुल कर देने वाली घटना है। 44-45 मृत हुई हैं जो कि अपुष्ट हैं अभी, अभी उतने ही घायल हैं, क्या पता और कितनों की मृत्यु होती है। तो किसी के घर का इकलौता बेटा, किसी का मात्र कमाने वाला, किसी का पति जिसकी शादी अभी कुछ महीने हुए, कल एक का पुत्र बच्चा भी पैदा हुआ वो भी उनमें से एक था, दो लापता हैं। और जिस तरह उनके शरीर सोशल मीडिया में दिखाई दे रहे क्षत विक्षत हो गए, उन्हें तो केवल समेट करके तिरंगे में लिपटाया गया है। तो बड़ी दुखद घटना है और वो शव ऐसे भी नहीं कि मुंह खोल के देखे जा सके, जो इस तरह सोशल मीडिया में हमने उनके शव देखे, तो बहुत बुरी स्थिति है। अब ये सही है कि वो अचानक एक हमला था, परंतु वहाँ के लोगों का कहना हमने वार्न कर दिया था, ये जागरूक नहीं हुए। अब ये बात तो जाँच का विषय है, इसे बताएंगे, क्योंकि इस तरह की घटना के लिए इस समय हम लोग नहीं तैयार थे। जिस तरह की घटना आई है सामने, अब पाकिस्तान का आतंक चैन से नहीं बैठने दे रहा है। वो क्या अपेक्षा कर रहा है, इसका एक ही तरीका होता है, पहले भी युद्ध हो चुके हैं, अब ये निर्णय तो देश में जो रक्षा मंत्रालय उसे लेना होता है किस तरह से इनसे निपटा जाए। और ऐसे मामले में पूरा देश एक साथ रहता है, अपने देश की सुरक्षा के लिए सब एक साथ रहते हैं, इसमें राजनीति अड़े नहीं आती, आने भी नहीं दी जाएगी।